मौज ऐप को डाउनलोड करें और हिस्सा लें इंडियाज़ गॉट टैलेंट के वाइल्ड कार्ड एंट्री में। मौज बना, हिट हो जा। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में जनता ने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में 4 चरणों के मतदान खत्म हो चुके हैं, 3 चरण के लिए मतदान बाकी है। वहीं मणिपुर में भी 2 चरणों में मतदान होना बाकी है। पहला चरण 2 दिन बाद यानी 27 फरवरी को होगा। इस बीच सभी दल के नेता जीत के दावे कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कांग्रेस के जीत का दावा किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड के यमुनोत्री और गंगोत्री से बीजेपी को खदेड़ कर भगा दिया है और अब यूपी से खदेड़ कर भगाने की बारी है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश समेत जहां जहां चुनाव हो रहे हैं जनता उन्हें वहां से भी खदेड़ देगी। भाजपा को हमने उत्तराखंड से तो खदेड़ दिया है। अब जब भाग रहे हैं तो कहां भागते भागते जहां तक हो सकेगा उनको बाहर करेंगे। किसका आश्रम बनवा रहे हैं उत्तराखंड में? किसका आश्रम बनवाने की बात कही आपने? मैंने कहा जोगी जी को आप यहाँ से छोड़िए तो हम उत्तराखंड के अंदर उनको एक कुटिया के लिए जगह दे देंगे, बढ़िया सी जगह, और आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। कहाँ कहाँ उनके जो जोगी और भोगियों के पल्ले पड़े हो, जो है आइए कर्मवीरों के साथ आइए, कांग्रेस के साथ खड़े होइए। पंजाब से पंजाब, गोवा और 5 राज्यों के चुनाव में क्या नतीजे रहने वाले कांग्रेस के? हम उत्तराखंड जीत रहे हैं, हम पंजाब जीत रहे हैं। दोनों राज्यों के विषय में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। गोवा के समाचार जो मेरे मित्र बता रहे हैं वहाँ हम जीत रहे हैं। मणिपुर हम जीतेंगे क्योंकि मणिपुर में जिस तरीके से डेमोक्रेसी को ह्यूमिलेट किया गया है तो मणिपुर इज बाउंड टू वोट फॉर कांग्रेस। वो लोकतंत्र के ह्यूमिलेशन का जवाब देगा मणिपुर जो है। कितनी सीटों की उम्मीद लग रही है आपको यूपी में? यूपी में सीटों की कितनी उम्मीद है? कहाँ यूपी में? यूपी यूपी में कुछ भी हो सकता है और मुझे लगता है ये कुछ भी जो होगा वो कांग्रेस के पक्ष में होगा क्योंकि लोग भोगी और योगी दोनों को देख चुके हैं, योगियों को और भोगियों को देख चुके हैं, अब उनसे पल्ला छुटाना चाहते हैं। अब इस दावे में कितना दम है इसका पता 10 मार्च को चल जाएगा जब 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे। फिलहाल चुनावी वादे और सियासी कीचड़ एक दूसरे पर उछाले जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि 5 राज्यों में कुर्सी किसके नाम होती है। इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।